फ्रेंड्स, एक बार अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो जुड़ जाए उसके टाइम लिमिट के अंदर तो बहुत अच्छी बात होती है, और अगर उसके टाइम लिमिट्स के अंदर वो नहीं जुड़ता है फ्रैक्चर, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों मुझे ना, मेरे दो तीन सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मुझे उनका एक्सरे भेजा था और मुझे सेम बात बताई थी जो मेरा केस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा सेम टू सेम उनका फ्रैक्चर था, बट बात ऐसी है दोस्तों कि जब एक साल कोई भी फ्रैक्चर का एक या डेढ़ साल होता है और तब भी वो नहीं जुड़ता है ना, तो बहुत सारी दिक्कत होती ही होती है। ठीक है, बट मेरा जो केस है वो आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि किस तरीके से मेरा फ्रैक्चर में एक जो पोर्शन है वो नहीं जुड़ रहा है, मतलब एक साइड जुड़ गई और दूसरी साइड नहीं जुड़ रही है, ऐसी प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही हूँ। तो उन लोगों ने भी मुझे उनका एक्सरे भेज के बताया कि उनको भी सेम प्रॉब्लम है कि उनके फ्रैक्चर का डेढ़ साल या दो साल से ऊपर हो गया और उसका जो एक पार्ट है, एक फ्रैक्चर की एक साइड है वो जुड़ गई है और दूसरी साइड नहीं जुड़ी है दोस्तों, तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा बताते हैं कि नहीं नहीं अच्छे ठीक हो ही जाते हैं, ठीक है, बट रेयर केस में ऐसा भी होता है दोस्तों, क्योंकि सबकी बॉडी एक सी नहीं होती है, सबकी बॉडी एक से रिएक्ट नहीं करती है, किसी को जल्दी रिकवरी मिल जाती है और किसी को जल्दी रिकवरी नहीं भी मिलती है, तो उसको वेट करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा अगर केस है ना दोस्तों कि एक साइड पे हड्डी जुड़ गई है और दूसरी साइड पे नहीं जुड़ रही है, तो उसके दो तीन सॉल्यूशन ही होते हैं। बात बताई जाए तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि या तो बोन ग्राफ्टिंग का सर्जरी होगा या तो इलिजारो होगा, ये दो सर्जरी तो कंपलसरी सभी डॉक्टर्स करते ही हैं जो नॉन यूनियन फ्रैक्चर होता है या तो डिले यूनियन होता है। और अगर किसी का फ्रैक्चर डिले यूनियन होता है, ठीक है, अगर धीरे से भी जुड़ने के चांसेस होते हैं तो उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई मिरेकल नहीं कर सकते हैं, हम बाहरी जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, बट वो जो हड्डी जुड़ने की जो अंदर जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना दोस्तों, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं। तो बुरा लगता है और बहुत सारे लोग हमें बुरा भला सुनाई जाते हैं कि भाई ये लोग ठीक नहीं हुए हैं, बट नहीं हुए हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते हैं, बुरा हमें भी लगता है और सबको लगता है। और दूसरा तो इसमें सॉल्यूशन ये होता है कि या तो आप टेरिपेराटाइट का जो हार्मोनल इंजेक्शन होता है वो या तो डॉक्टर देते हैं, या तो फिर कुछ और इंजेक्शन दो तीन होते हैं वो देते हैं, और या तो फिर बोन मैरो जो इंजेक्शन होता है वो देते हैं। तो बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा ट्रीटमेंट में और कुछ नहीं हो सकता जिसका हड्डी थोड़ा जुड़ा है थोड़ा नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स होती है, खून की जो नसें होती है दोस्तों, उसमें ही ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे जुड़ना रुक जाता है, या तो धीरे हो जाता है या तो बंद हो जाता है। बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता वेट करने के अलावा। तो प्लीज़ जिसको भी मेरे जैसा ये प्रॉब्लम हो रहा हो, वो आप दुखी मत होइए, आप अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए कि वो आपको क्या सलाह देते हैं, आपके फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग उस तरीके से आप ट्रीटमेंट कराइए, और जो भी वो आपको सलाह देते हैं उसको मानिए, और थोड़ा पेशेंस भी रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर ठीक हो जाओगे।